वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम अभी भी टॉपिक नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें भी लास्ट पार्ट टू बी फ्रेजेस और उसमें भी लास्ट दो टू बी फ्रेजेस हमें सीखने हैं। टॉपिक नंबर 3.10, हिंदी वाक्यों के अंत में जब शब्द आते हैं मैं अच्छा है, अच्छी है या फिर निपुण है और उसके आगे कोई विषय, कोई प्रवृत्ति या कोई खेलकूद का उल्लेख हो तब इंग्लिश में आता है टू बी गुड एट। जैसे कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट इंग्लिश। यहाँ पर खास ध्यान रखना है टू बी गुड एट बोला जाता है, गुड इन नहीं। टू, वो गणित में अच्छा नहीं है, He isn't good at maths. Number 3. वे धंधे में निपुण है, They are good at business. मतलब कि वे बिजनेस में अच्छे हैं, निपुण है। Number 4. क्या आप विज्ञान में अच्छे हो? प्रश्नार्थ। Are you good at science? ना, मैं विज्ञान में अच्छा नहीं हूँ। नो, आई एम नॉट गुड एट साइंस। 5, वो ड्राइविंग में अच्छा है, वो और है साथ में प्रश्नार्थ, मतलब इज ही गुड एट ड्राइविंग। हाँ, वो ड्राइविंग में अच्छा है। यस, ही इज गुड एट ड्राइविंग। नंबर 3.11, हिंदी वाक्यों के अंत में आता है कि तैयारी में हूँ या था। इंग्लिश कीवर्ड टू बी अबाउट टू प्लस V1। V1 मतलब क्रियापद का मूल रूप। नंबर 1, मैं आपको फोन करने की तैयारी में था। मैं और था मतलब आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। नंबर 2, वो निकलने की तैयारी में ही थी। She was about to leave. LEAVE। लीव मतलब छोड़ना, निकलना या रवाना होना। 3, हम टकराने की तैयारी में ही थे। टकराना मतलब टक्कर लग जाना। इंग्लिश वर्ड है collide, COLLIDE। हम थे, We were about to collide, लेकिन थोड़ी देर में बच गए, टकराते रह गए। नंबर 4, वे लड़ने की तैयारी में थे। वे और थे, They were about to start fighting। नंबर 5, वो रोने की तैयारी में है। वो और है मतलब He is about to cry।